धन्यवाद 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 करते मेरे प्रभु यीशु आज के सुंदर शाम के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते महान सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन समय को दिखाने के लिए। मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं दिन भर संभाल के रखने के लिए आशीष देने के लिए हमारी सुरक्षा करने के लिए संकटों से दुर्घटनाओं से बचाए रखने के लिए। मेरे खुदावन मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए आज के सुबह में जो प्रभु ने हमें दिखाया इस सुबह में हम सबसे पहले प्रभु के वचन को देखते हैं। आज हम लोगों के जीवन में प्रभु के वचन को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना वचन के हम लोग कुछ भी नहीं है। आज जिनके जीवन में प्रभु का वचन है जो लोग प्रभु के वचनों पर मन नहीं लगाते वे अपने जीवन में अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो प्रभु के वचनों पर मन लगाते हैं प्रभु के वचनों पर चलते हैं उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है क्योंकि प्रभु की बातों को वो समझते हैं वे प्रभु की इच्छाओं को जानते हैं क्योंकि प्रभु का वचन ही शांति देता है प्रभु का वचन ही जीवन देता है प्रभु का वचन ही छुटकारा देता है। यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख कोई भी बीमारियां हैं तो प्रभु का वचन ही आपको चंगा कर सकता है। इसलिए आप लोग प्रभु के वचनों पर जरूर मन लगाए। आज हम वचन निकालते हैं संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या हम पढ़ते हैं 14 को वहां पे लिखा है तब यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मेरे प्यारे मसीह भाई प्रभु का वचन कहता है आज के इस शाम में कि बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मत रोको। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे मसीह भाई बच्चे लोगों का हृदय नम्र होता है वो लोग दीन होते हैं वे पापों से दूर होते हैं उनके मनों में किसी के प्रति छल कपट नहीं होता है। प्रभु इसी लोगों को बुलाता है और प्रभु बोलता है यही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई यदि आप बच्चे के सदृश बच्चे के समान नहीं बनेंगे तो आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा यानी कि अपने आप को दीन करना पड़ेगा नम्र करना पड़ेगा। आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे उसके प्रति अपने मनों में कोई भी भेदभाव नहीं रखेंगे उसके प्रति अपने मनों में कोई जलन ना रखेंगे किसी के प्रति तो आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे अन्यथा आपको स्वर्ग राज में जगह नहीं मिलेगी। आज हर एक लोगों को सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करना चाहिए न कि संसार की चीजों की न कि चंगाई की न कि छुटकारा। सारे लोगों को आज सोचना चाहिए कि वो स्वर्ग राज में प्रवेश कर रहे हैं या सबसे पहले उन लोगों को स्वर्ग राज की चिंता होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आज बहुत सारे लोग अपने धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं अपने परिवार के पीछे भाग रहे हैं किसी के पीछे भाग रहे हैं दुश्मनों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर रहे प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग इन वचनों पर ध्यान दें। प्रभु बोल रहे हैं कि स्वर्ग राज उन्हीं जैसे लोगों का है। आज यदि आप बच्चे जैसा नहीं बनेंगे अपने आप को दीन नम्र नहीं करेंगे दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे उनके प्रति भेदभाव अपने दिल में रखेंगे तो आप स्वर्ग राज में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए आज के शाम के वक्त में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस योग्य बना हमें बच्चा जैसा नम्र बना मेरे खुदावन ताकि हम प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश कर सके। हमें इस अधोलोक में न छोड़ दे प्रभु आपको अधोलोक में छोड़ना नहीं चाहता प्रभु आपको नरक की आग में नहीं भेजना चाहता वो आपको स्वर्ग राज में लेके जाना चाहता है। इसलिए आइए आज के शाम के वक्त में सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें स्वर्ग राज में लेके चल हमें इन सांसारिक चीजों से अलग कर हमें संसार के लोगों से अलग कर हमें अलग बना हमें पापों से छुड़ा हमें हर एक प्रकार से प्रभु जी आज आजाद कर। और आज शाम के वक्त में हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके परिवार से दुखों को दूर करें आपके चिंताओं को बीमारियों को आपके रोगों को हर एक चीजों को आपके कर्जों को हर एक चीजों को आज प्रभु दूर करें इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए सब मिलकर प्रभु की महिमा करें अपने हाथों को उठाएं आंखों को बंद कर ले सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते मेरे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर आप ही हमारे ढाल है मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी आप ही हमारे गौरव है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आप धर्मियों को मार्ग की रक्षा करते पिता लेकिन दुष्टों के मार्ग को विनाश की ओर लेके जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सच्चे न्याय करता है आपके जैसा न्याय प्रभु जी कोई नहीं प्रभु जी आप किसी के साथ कभी भी पक्षपात नहीं करते
करते मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी आप हर एक लोगों से अपने समान एक समान प्रेम करते, चाहे वो अमीर हो गरीब हो बड़ा हो या छोटा हो। हे मेरे प्रभु जी आप हर एक लोगों से एक समान प्रेम करते मेरे पिता परमेश्वर। आप पापियों से प्रेम करते लेकिन पापों से नफरत करते। हे मेरे प्रभु यीशु आज के इस शाम के वक्त में हम प्रार्थना करते मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से बीमारियों से प्रभु जी आपने बचाया पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु जी आज के इस दिन में पिता हमसे जो भी अपराध हुआ मेरे प्रभु जी, हमारे मनों के द्वारा, हमारे सोचों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा प्रभु जी, हमारे मुंह के द्वारा प्रभु जी, जो भी अपराध हुआ मेरे पिता, हमने जिनको भी दुख पहुंचाया है मेरे खुदावन प्रभु जी, हमने जिनको माफ नहीं किया मेरे खुदावन प्रभु जी, हमने जिनके विरुद्ध प्रभु जी उल्टा जवाब दिया मेरे पिता प्रभु जी, हमने जिनको दुख पहुंचाया है, आपके विरुद्ध अपराध किया, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है मेरे खुदावन मेरे पिता, आज के इस समय प्रभु जी तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि तू हमारे पापों को प्रभु जी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पिता आज तो हमारे अपराधों को भुला दे, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें प्रभु जी शांति दे मेरे खुदावन पिता, और प्रभु जी हमें आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि प्रभु जी हम उन अपराधों को दोबारा ना करें। हे मेरे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते मेरे पिता, तो हमारे अपराधों को ना देख, तो हमें देख मेरे पिता, हम आपके करीब आना चाहते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर आज के शाम के वक्त में इस समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, और इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक लोगों को, उनके परिवारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर हर एक लोगों को आपके लहू में देते हैं। हे मेरे परम पावन पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, हर एक लोगों पर अपना अनुग्रह अपनी आशीष बरसा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को अपने प्रेम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इस वचन के द्वारा हमें बताया मेरे पिता कि बच्चे जैसा जो रहेगा प्रभु जी वही स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता है। हे मेरे पिता परमेश्वर हमारे मनों को प्रभु जी बच्चों के सदृश बना प्रभु जी, हमें दीन बना, हमें नम्र बना मेरे पिता परमेश्वर, हमें इस अधोलोक में ना छोड़, क्योंकि प्रभु जी हम आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हम स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं पिता। प्रभु जी हम नरक की आग में नहीं जाना चाहते। हे मेरे प्रभु जी आज जितने लोग प्रभु जी पापों में मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उनके अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी उन्हें सही मार्ग दिखा। हे मेरे पिता परमेश्वर उन्हें अधोलोक में ना छोड़ प्रभु जी। आज जितने भी माता पिता हैं प्रभु जी आज अपनी गलत आदतों से प्रभु जी परेशान हो चुके हैं, वे उन आदतों को छोड़ना चाहते मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उनकी सहायता कर मेरे प्रभु जी, ताकि वे गलत कामों को छोड़ के प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश करें, आपकी इच्छाओं पर चले प्रभु जी, आपकी योजनाओं को पूरी कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें दीन बना, हमें नम्र बना मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मनों से प्रभु जी, हमारे मनों से हर एक गंदे विचारों को प्रभु जी तू दूर कर, और प्रभु जी हमें क्षमा करने वाला बना पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु जी शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे पिता प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी प्रेम का आत्मा दे मेरे खुदावन पिता, क्षमा करने वाला बना मेरे खुदावन प्रभु जी, ताकि हम दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सके प्रभु जी, किसी के साथ प्रभु जी भेदभाव न करे, वैसी आत्मा हमारे अंदर प्रदान कर। हे मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, आज के इस रात में मेरे प्रभु जी हर एक लोगों को संभाल पिता, और आज के इस रात में मेरे खुदावन मेरे यीशु जितने लोग प्रभु जी आज बीमार है प्रभु जी, आपकी ओर हाथों को उठा रहे प्रभु जी, आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगा रहे मेरे खुदावन मेरे पिता, तो उन लोगों पर दया कर, उन्हें स्वस्थ चंगाई दे मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, तुम्हें आशीष दे उनके घरों में जितने लोग भी बीमार है प्रभु जी, चाहे जो भी बीमारियां क्यों ना हो मेरे खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, तो उन्हें चंगा कर प्रभु जी, तो उनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, उनके सारे रोगों को शुद्ध कर दे, उनको प्रभु जी हर एक प्रकार से प्रभु जी शुद्ध और साफ कर दे, उनके अपराधों को क्षमा कर दे, उन्हें चंगा कर दे मेरे खुदावन। हे मेरे प्रभु यीशु हम आपसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आज जितने लोग प्रभु जी आपकी दुहाई दे रहे मेरे पिता, तो उन लोगों की दुहाई को सुन, उन्हें चंगा कर, उन्हें स्वस्थ कर मेरे पिता, आज के इस शाम में प्रभु जी उनके परिवारों पर प्रभु जी अपना दया दिखा मेरे खुदावन प्रभु जी, अपने दया दृष्टि मेरे पिता तो उनके परिवार की ओर लगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु नासरी हम आपसे विनती करते हैं, और प्रभु जी जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर आज कर्जे में प्रभु जी आप आज दुखों में मेरे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों को प्रभु जी आज हर एक कर्जों से आजाद कर, उनके दुखों से प्रभु जी उन्हें आजाद कर मेरे पिता, उनके जीवन में शांति दे, प्रेम दे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन मेरे पिता। आज जितने लोग प्रभु जी गरीबी को झेल रहे पिता, आज प्रभु जी उन लोगों पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू ही सब चीज को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु जी उन्हें गरीबी से निकाल, तेरे ही प्रभु जी आशीर्वाद से लोग धनवान बनते मेरे खुदावन प्रभु जी, आज तू उन्हें कंगाली से आजाद कर दे मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं मेरे परम पावन प्रभु जी, प्रभु जी आज के
इस रात में हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस रात में हर एक लोगों को प्रभु जी हर एक तरह के अपराधों से, बुराइयों से बचा कर रख और प्रभु जी फिर से नया जीवन दे, फिर से एक नई सुबह दिखा मेरे खुदावन पिता, ताकि प्रभु जी वे आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, पूरा करते मेरे खुदावन प्रभु जी। आज हर एक लोगों को प्रभु जी तू देख और उन्हें चंगा कर, स्वस्थ कर, उनकी हर एक घंटी कमी को, उनकी हर एक घंटी कमी को, उनकी जरूरतों को प्रभु जी तू पूरी कर हे मेरे पिता परमेश्वर। और आज के इस रात में हर एक लोगों को, हर एक विषैले जीव जंतु से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, महामारियों से मेरे खुदावन मेरे पिता तूने बचा के रख। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी। आज प्रभु जी हर एक लोगों को गंदे सपनों से, डरावनी सपनों से मेरे खुदावन पिता तूने बचा के रख मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते और जितने लोग मेरे पिता योजनाएं बना रहे हैं प्रभु जी, उनके घरों में जो भी काम प्रभु जी वो सोच रहे मेरे पिता, तो उनके हर एक काम को सफल कर आज के इस रात में प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस रात में प्रभु जी जब वो सोए तो मेरे पिता परमेश्वर, जब वो जगे मेरे पिता परमेश्वर, उनको खुशखबरी मिले प्रभु जी। जो भी रुके पड़े काम है मेरे खुदावन प्रभु जी वो चालू होने पाए पिता। जितने भी लोगों के प्रभु जी काम रुके हुए मेरे पिता, तो उन लोगों के हर एक काम को सफल कर हे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और इन प्रार्थना को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस रात में हर एक लोगों के घरों के ऊपर अपने दूतों का बाड़ा लगा और उन्हें सुरक्षित और जीवित भला चंगा रख मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और इन प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।